सार्वजनाधिकार माने जनहित भी सुरक्षित हो जाएंगे अपने आप। तो ये दोनों बातें मुख्य रूप से हाईलाइटेड करके, वैसे तो ऐसे 111 न्याय प्रस्ताव है न्याय दम सभा के, लेकिन ये दो मुख्य बातें हैं जिनका अपरिहार्य है इनका इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए इनको पहले लागू करने के लिए हम लोग करने और कराने, हम लोग सरकार बन के लागू करेंगे ऐसा नहीं, हमारा प्रचार ही हमारी सरकार है। ये बातें हम सिर्फ जनता तक पहुंचा देते हैं, हर पार्टी मजबूर होगी। 35 साल से न्याय दम सभा इन सब चीजों का प्रचार करे, अब देखो पार्टियां सब मजबूर है, भाजपा को हमने मजबूर कर दिया डिजिटल करेंसी सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए और भी ऐसी कई चीजें करने के लिए। दूसरी बात, अब आम आदमी पार्टी को हमने मजबूर किया, उनके 4 मुद्दे थे वो चारों हट गए, और न्याय दम सभा के 4 जनाधिकारों के मुद्दे उनके पार्टी में 100% घुस गए, अब वो बच नहीं पा रहे हैं इससे। पहले भागे थे जब पार्टी बनाए थे शुरू शुरू में, अब भाग भी नहीं पा रहे, अब इन्हीं शिक्षा रोजगार सुविधा संरक्षण पे चिल्ला रहे। दूसरी बात, अभी कांग्रेस ने भी, अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी शायद घोषित किया उन्होंने केजी टू पीजी तक सब MBBS और इंजीनियरिंग और मेडिकल, भैया आप सब पढ़ो सब बढ़ो और सब फ्री होगा, तो कांग्रेस ने भी घोषित करा। ये तो हमारा तो मुख्य मुद्दा ही है, 25% बजट बांट के सबको निःशुल्क चारों चीजें देनी है, कंप्लीट पैकेज। न्याय दम सभा तो यही 35 साल से हल्ला मचा रही है, अब जो है धीरे धीरे प्रचार ही प्रतिष्ठा है, न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। ये बात अब हमारी जो हम लगातार इसको बोलते रहे, अब ये चरितार्थ भी होने लगी, हर पार्टी भी बस हो जाएगी हमारे इस न्याय प्रचार के कारण। हम लोग कभी सरकार में ना आए लेकिन न्याय जरूर कर देंगे, इनको सबको मजबूर कर देंगे, जो पैसा लगा लगा के सेठ लोग बड़े बड़े तोपचंद सब वहां पहुंच जाते हैं, हम लोगों के पास तो न्याय दम सभा के पास तो चवन्नी नहीं, तो जैसे तैसे हम लोग प्रचार प्रसार अपना करते हैं। और हम तो कहते हैं जमानत राशि भी हमारी सब वापस करो, और जो चुनाव का खर्चा आता है वो भी हम चुनाव आयोग से सब लेंगे ही कभी ना कभी वापस। अब चुनाव आयोग अगर समझदार है तो अभी दे दे, नहीं तो उनके घर से अधिकारियों के हम मंगवाएंगे बाद में पैसा, वो कहाँ जाएंगे, हम तो बोलते रहते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, देश के नागरिक हैं, वो आज गलती कर रहे हैं कल भुगतान करना पड़ेगा, तो घर जाने से पहले या तो हमारा बिल दे दे, नहीं तो हम घर से उनको कोर्ट कचहरी में ले आएंगे, हमारा कल को कोर्ट बनेगा ही तो उसमें उनकी पेशी होगी, अब उनके घर से रिकवरी होगी, उनकी जमीन जायदाद बिकेगी, या तो अभी दे दें, हम अभी बिल फिर भेजेंगे, नहीं देंगे हमारी जमानत जितनी जब्त किए रहोगे सब वसूली होगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि वो लोग समझ बूझ के और निःशुल्क चुनाव प्रचार की भी व्यवस्था करें, कि और शिक्षा निःशुल्क से बात नहीं बनेगी, पहले प्रचार निःशुल्क, हमको TV पे अपने दें जगह, ताकि न्याय दम सभा फ्री में जन जन तक अपनी बात पहुंचा सके। आप नहीं पहुंचा रही हमारी बात तो इसका मतलब चुनाव आयोग जो है वो धोखे में, वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, हमारी बात ही नहीं पहुंच पा रहा, हम चुनाव आयोग को बता रहे हैं भाई पहुंचाओ तो वहां तक, भाई शादी का आयोजन तुम्हारा है और दूल्हा और बराती लोग जो है बिल पे करें, टेंट हाउस का, हलवाई का, बाजे वाले का क्यों पे करें, डीजल पेट्रोल बस भी ले आए बारात में तो उसका भी डीजल पेट्रोल दे, काहे दे भाई, शादी की घोषणा तुम्हारी है चुनाव की, हाँ आयोजन तुम कर रहे हो और बाराती क्यों दे दूल्हा।